हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप लोगों को बताऊंगा 2023-24 में जिन लोगों को सप्लीमेंट्री आई है 12th में, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि नहीं रहे, क्योंकि उन लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैं सप्लीमेंट्री तो हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो पूरी कम्प्लीटली डिटेल इस वीडियो में आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनको कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी मत चिंता करिए, घबराइए, आप लोगों का भी एडमिशन होगा। और मैं जिस स्टेप को बता रहा हूँ उस स्टेप से आप फॉलो करिए, आप लोगों का भी लास्ट में एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आप लोगों को मैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या रहती है और इसकी वेबसाइट किस प्रकार से दिखती है और कैसी रहती है। तो ये देखिए दोस्तों, ई प्रवेश की जो वेबसाइट इस प्रकार से रहती है और इसकी जो लिंक है ई प्रवेश .mponline.go.in पर रहती है। अब जैसे इस पर वेबसाइट पर जाकर करेंगे तो इस प्रकार का एक होम पेज खुलेगा। होम पेज जैसे खुलता है तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन के लिए एक, ये देख लीजिए, इस प्रकार से अंडर ग्रेजुएशन के लिए एक लिंक होती है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लिंक होती है, और इसी प्रकार जो LLB और LLM करते हैं उनके लिए भी एक लिंक यहाँ पर इस प्रकार से दी गई है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए दिया गया है, इसमें वन स्टेप वर्क अप कर दिया गया ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए। तो इसमें यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी, इसमें आप कोर्स वाइज जो एलिजिबिलिटी रहती है, यूजी के कोर्स रहते हैं 12th पास आउट के लिए और पीजी के कोर्स रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या करना चाहिए, पूरा एक होम पेज होता है, इसमें मैं आपको पूरा होम पेज सबसे पहले समझा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर ये जो है 2023-24 की प्रवेश की जितनी भी रूल्स दिए गए हैं वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। और ये प्रवेश की जो समय सारणी है, कब रजिस्ट्रेशन होंगे, कब तक इसका वेरिफिकेशन होगा, लिस्ट कैसे आएगी, सब इसमें यहाँ पर सेकंड नंबर पर दिया गया। तो इसी प्रकार सबसे पहले अब आपको इसमें बता दूँ, रजिस्ट्रेशन नॉन मैंडेटरी और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कॉलेज, इस प्रकार से दो कॉलेज इसमें होंगे। तो आप अपन सबसे पहले कहते हैं नॉन मैंडेटरी, यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे सर्च हो रहा है, इस प्रकार से एक आवेदक के लिए सत्य होगा, OTP आएगा यहाँ पर, ये OTP के लिए यहाँ पर इसको ओके आई एग्री करना टिक करके ये। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक ये पेज खुल जाएगा, देख लीजिए जैसे ही पेज खुलता है तो यहाँ पर आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 6 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर 25 जून, 25 मई से लेकर 12 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लिंक दी गई है इसके अंदर। और दूसरा यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लॉक करने की दी गई है, देख लीजिए, फील पे और पेमेंट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर यहाँ पे चॉइस फिलिंग दी गई है, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग में कॉलेज के नाम डालना है, सब्जेक्ट नाम डालना, आप नो कॉलेज और नो सब्जेक्ट के नाम इसमें डाल सकते हैं। चॉइस फिलिंग दी गई है इसी प्रकार से, चॉइस फिलिंग ओनली रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट के लिए दी गई है। और यहाँ पर एक एडिट की लिंक भी दी गई, जिसमें आप एडिट का करेक्शन कर सकते हैं, देख लीजिए, अगर कॉलेज और चेंज होता है तो इसमें आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की आवश्यकता रहेगी। और एडिट चॉइस फिलिंग एरर के लिए भी देगा, वन स्टेप बाय सेंटर पर जाना पड़ेगा। हेल्प सेंटर जो होते हैं इसमें गवर्नमेंट कॉलेजों को अलॉट किया गया है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज सभी यहाँ पर इसके लिए अलॉट है। आपको वहाँ पर जाकर अपना आईडी पासवर्ड जो है उससे आपको जाके अनलॉक कराकर उसमें अपना चॉइस फिलिंग फिर से करना है। ये आप लोगों का इस प्रकार से एक इच्छा दिए गए, जिसमें आप लोग अपना सब कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा ओपन होता है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों का, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है, यहाँ पर तीन दो ऑप्शन देगा, यस और नो, तो आप लोगों को नो पर क्लिक करना है। ओके के बाद नो पर क्लिक करना है, या आप लोगों का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो रहा है, इसको फिल करना है। पूरी जानकारी बता दूं, फिल कैसे करते हैं, ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म थोड़ा सा ओपन, उनकी सर्वर थोड़ा सा डाउन चल रहा है क्योंकि सभी लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सर्वर डाउन के कारण आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है। ये प्लीज ट्राई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है।